हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। जैसे कि लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 5 में हमने सीखा था सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के बारे में, तो आज हम सीखेंगे मार्क टैग, एम्फेसाइज टैग, डायरेक्शन टैग, एड्रेस टैग एंड कोड टैग। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक नोटपैड की फाइल, नोटपैड लेसन नंबर 6। इसे ओपन कर देते हैं और इसे सेव एस करके लेसन नंबर 6 .html में कन्वर्ट करते हैं, सेव करते हैं लेसन नंबर 6 .html। सी, यहाँ पे html की फाइल ओपन हो गई है। नाउ वी विल क्लोज दिस नोटपैड लेसन नंबर 6। ये नोटपैड की फाइल को डिलीट करेंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वी विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल, वी विल ओपन इट। वी विल स्टार्ट विथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसका हम आउटपुट देखते हैं, फाइल सेव। यहाँ पे हम रिफ्रेश दबाएंगे, रिफ्रेश HTML फॉर्मेट, बॉडी, अंडर बॉडी। हम आज सीखने वाले हैं मार्क टैग। सो मार्क टैग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स लिखे हुए हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको डायरेक्टली समझा सकूँ कि मार्क टैग क्या होता है। मार्क टैग मीन्स हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स, द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन मार्क्ड विथ येलो कलर। ओके, दिस मार्क इज द फॉलोइंग वर्ड, विच वर्ड, दिस वर्ड। हमें ये वर्ड को मार्क करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे मार्क टैग का यूज किया है। फाइल सेव एंड रिफ्रेश। सी, द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन मार्क्ड विथ येलो कलर। सो यहाँ पे मार्क किस तरह से आया, क्यों आया? सी, व्हाट इज द थिंग, हमें ये मार्क, सिर्फ ये वर्ड को हमें मार्क चाहिए, ये वर्ड को हमें येलो कलर में चाहिए, दिस मार्क। यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क को ओपन कर दिया था, सो इसे हमें हटाना है। सेव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क टैग इक्वल टू द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन मार्क्ड विथ येलो कलर। फाइल सेव रिफ्रेश। सी, दिस इज द आउटपुट, दिस पर्टिकुलर थिंग मार्क। हमें एक वर्ड में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में हमें अगर कोई ऐसा वर्ड चाहिए जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम मार्क टैग का यूज करेंगे। ओके, मार्क टैग। यहाँ पे और एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, अंडर पी टैग आई लव माई फैमिली एंड पी टैग क्लोज। पी मीन्स पैराग्राफ टैग। इसके अंदर हमें कभी हम br टैग यूज करते हैं टू ब्रेक द लाइन, पी टैग का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आई लव माई फैमिली, हमें फैमिली को हाईलाइट करना है, तो किस तरह से करेंगे? मार्क टैग, मार्क ओपन एंड मार्क क्लोज, सेव फाइल, सेव एंड रिफ्रेश। सी, आई लव माई फैमिली, यहाँ पे फैमिली जो है वर्ड
राइट। अभी हम आगे जाते हैं सेकंड एम्फेसाइज। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहता हूँ लेक्चर में, बट वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। EM एम्फेसाइज। अभी एम्फेसाइज का मतलब क्या है ये हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आई लव माई फैमिली, वर्ड क्या है, मीन्स लाइन क्या है, आई लव माई फैमिली एंड माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो एम्फेसाइज मीन्स EM टैग यूज करना है। EM तो मैं यहाँ पे फादर के ऊपर हाईलाइट, फादर के ऊपर मैं EM यूज करता हूँ। EM माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड। EM सेव इट एंड रिफ्रेश। आई लव माई फैमिली एंड माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड। सी एम्फेसाइज। एम्फेसाइज में एम्फेसाइज का मतलब ये है फादर जो नाम जो आ रहा है वो थोड़ा सा स्लाइटली स्लैंग हो गया। इटालिक वर्ड जो हमने यूज़ किया था बोल्ड इटालिक एंड अंडरलाइन में, उसमें इटालिक वर्ड जिस तरह से स्लैंग हो जाता है इसी तरह से फादर वर्ड यहाँ पे स्लैंग हो गया है। दिस इज कॉल्ड एम्फेसाइज टैग राइट। विल गो फर्दर। टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है उसका मैंने यहाँ पे नोट लिख लिया है। हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिले हमें। डी आर सेव फाइल सेव। डायरेक्शन टैग का मतलब क्या है पहले मैं आपको बस समझा देता हूँ। डायरेक्शन, वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन। ओके, वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस टेक्स्ट विल अपीयर राइट टू लेफ्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट विल अपीयर राइट टू लेफ्ट। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका टैग है, इसका टैग इस तरह से यूज करना है BDO डायरेक्शन इक्वल टू राइट। फाइल सेव सी। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो इस तरह से आया है, यू कैन सी इट हियर। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे ये उल्टा आ रहा है। हमने सीधा लिखा है यहाँ पे दिस टेक्स्ट विल अपीयर राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे THIS दिस टेक्स्ट विल अपीयर राइट टू लेफ्ट। ओके, इट इज मेनली यूज फॉर सीक्रेट मैसेजेस। सीक्रेट मैसेजेस के लिए ये टैग यूज होता है ताकि डायरेक्टली किसी को पता ना चले कि हमने क्या लिखा है। सो ये टैग इस तरह से यूज किया जाता है BDO डायरेक्शन इक्वल टू राइट। ओके, एंड यहाँ पे BDO क्लोज। सो विल गो फर्दर। एड्रेस टैग। सो एड्रेस टैग मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है सो कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो छोटी से छोटी बने। एड्रेस टैग। एड्रेस टैग ऑब्वियसली इट डिटरमाइंस दैट इट इज एन एड्रेस, बट एड्रेस सिंपल टाइप करने में क्या प्रॉब्लम है? बट वैसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जब भी एड्रेस लिखा जाता है एक प्रॉपर वे में तो उसकी अलग ही फॉन्ट, उसकी अलग ही एक बनावट रहती है, लिखावट रहती है। सो विल हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मैथड। बाद में करें ना करें पढ़ना आना चाहिए राइट। सेव एड्रेस पढ़ना आना चाहिए राइट। सेव इसका आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश सी।
ये किस तरह से आया है। 302 पूजा पैलेस, कावेरी नगर, बेंगलोर। सो इट शोज दैट एड्रेस इज रिटर्न इन, यहाँ पे मैं ब्रेक दे देता हूँ, सेव, रिफ्रेश। सी दिस इज द एड्रेस टैग, इट इज रिटर्न इन स्लांट, राइट एड्रेस। नाउ वन मोर थिंग इज लेफ्ट, रेगुलर टेक्स्ट विथ कोड। ओके, वी इसका आउटपुट देखते हैं, रेगुलर टेक्स्ट इन कोड, कॉपी पेस्ट। पहले ब्रेक का यूज कर लेते हैं और यू कैन यूज पी टैग, पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, सेव, रिफ्रेश। से इसका आउटपुट क्या है, ज़्यादा यूज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली हमें दिख सके। सी रेगुलर टेक्स्ट, दिस कोड, दिस इज कोड, इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे। This particular thing, regular text, this is code, ओके। ये कोडिंग लैंग्वेज से, कोडिंग का जो फॉर्मेट है उससे इसका आउटपुट आ रहा है। सो गॉट इट। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए, मैंने जो भी आपको सिखाया है, जो भी बताया है, जो भी ट्राई किया है इस वीडियो में बताने के लिए, इसके नोट्स मैं जल्दी ही अपने वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो यहाँ पे वीडियो में जो आपको बताया है, बस आपको उसी को फॉलो करना है, उसी को आपको देखना है, राइट। सी वन सेकेंड, यहाँ पे हम पेज व्यू सोर्स करके देखते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके आप ये टैग्स, वीडियो को पॉज करके आप ये टैग्स लिख लीजिए, देखिए, सीखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ये था चैप्टर नंबर 6। अभी जल्दी हम चैप्टर नंबर 7 लेके आएंगे, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर लर्निंग इन HTML। सो लगे रहिए इस चैनल पे, सीखते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।